नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का नवा और पवित्र महीना है। दुनिया भर के मुसलमान रोज़े के इस महीने को बलिदान का महीना मानते हैं। रमज़ान की शुरुआत चांद देखने के बाद होती है। सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश चांद दिखने के बाद ही रमज़ान की सही तिथि की घोषणा करते हैं। चांद देखने के हिसाब से रमज़ान का महीना कभी 29 तो कभी 30 दिन का होता है। बहरीन, मिस्र, कुवैत, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में ये सभी सऊदी अरब की घोषणा का इंतज़ार करते हैं। कतर कैलेंडर हाउस ने घोषणा की है कि खगोलविदों के मुताबिक रमज़ान का नया चांद 12 अप्रैल को दिखाई देगा। 13 अप्रैल को ये दुनिया के अन्य हिस्सों में आसानी से दिखाई देगा। संभावना है कि चांद दिखने के बाद रमज़ान का पहला रोज़ा 13 अप्रैल को रखा जाएगा। रमज़ान की शुरुआत चांद निकलने पर निर्भर होती है, इसलिए इसकी तारीख हर देश में अलग अलग हो सकती है। इस साल रमज़ान 12 अप्रैल सोमवार की शाम से शुरू होगा और मंगलवार 11 मई को ख़त्म होगा। इसके बाद 13 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। वहीं मुसलमानों के लिए रमज़ान वो महीना है जिसमें 1400 साल से पहले पैगंबर मोहम्मद के सामने इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान की पहली आयत का अवतरण हुआ था। इस पूरे महीने मुसलमान फज्र की नमाज के साथ रोज़े की शुरुआत करते हैं और सूर्यास्त की नमाज के साथ रोज़ा खोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।